हम सन्नी परिहार, स्टेट प्रेसिडेंट NSUA जम्मू कश्मीर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है, जिस प्रकार कल जम्मू कश्मीर के अंदर 10वीं कक्षा के छात्रों के ऊपर बल का प्रयोग, जो लाठीचार्ज जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। कोविड आते ही जब इस सरकार ने बड़े फैसले लिए थे, उन बड़े फैसलों में ये अहम फैसला था कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को जो है मास प्रमोशन दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर दो खित्ते हैं, एक खित्ते के अंदर जो है मास प्रमोट किया गया, लेकिन जम्मू के अंदर जो है छात्रों को जो है यहाँ पे फेल किया गया, उन्हें कोई मास प्रमोशन नहीं दी गई, जबकि उनके साथ जो है अधिकारियों ने जो है उनके साथ बात की थी कि हम आपको मास प्रमोशन देंगे। वन टाइम एग्जेम्पशन की बात की गई थी कि ये वन टाइम एग्जेम्पशन जो है 10th और 12th स्टूडेंट्स को मिलेगी, लेकिन आपने देखा कि जिस प्रकार 12वीं और 10वीं के छात्रों को फेल करने का जो प्रतिक्रिया जो JK बोर्ड ने पिछले कई सालों से जो परंपरा चलाई है, वो अभी भी जो है काबू नहीं आए। आज भी उन्होंने 10वीं के कक्षा के छात्रों को जो है फेल किया और उन्हें मजबूर किया कि वो सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर आए। जब वो आज इस सरकार से चिल्ला चिल्ला के बात अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो है हमें मास प्रमोट करें, क्योंकि कोविड में जो है वन टाइम एग्जेम्पशन आप नहीं कही थी, लेकिन इस सरकार ने उन्हें दिया तो क्या दिया, लाठी चार्ज, वो भी उन बच्चों को जो अभी नाबालिग हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनके ऊपर जो है पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज किया, जिनके कपड़े तक जो है फाड़ने का काम किया, जिनको यहाँ पे पुल से जो है अरेस्ट किया गया। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है उन पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है एक्शन लिया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए जिन्होंने नाबालिग बच्चों के ऊपर जो है इस तरीके से लाठी चार्ज किया है, और JK बोर्ड जो चेयरमैन हैं उन्हें भी डायरेक्ट किया जाए कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जो भी छात्र जो यहाँ पे फेल किए हैं उन्होंने, उन्हें मास प्रमोट किया जाए जैसे कश्मीर में किए, ताकि वो बच्चे जो है अपना साल जो है उसकी भरपाई जो है वो कर पाए। अदरवाइज अगर सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर ये सब करने में फेल हैं, तो NSUA का भरपूर समर्थन जो है 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ रहेगा।